अच्छा ये मोटर वाइंडिंग कर दी आपने? जी जी हाँ। अच्छा ये सारा चीज ओके चल रहा है? घुमा कर दिखाओ, घुमा कर दिखाओ। कितना रह गया सर? ये रह गया है थोड़ा सा। जी सर दो कॉइल और किधर है? दिखाओ, इधर नहीं दिख रहा है। अच्छा दो ऊपर इधर है ना? जी सर मतलब कंप्लीट पे आ गया। जी सर चलो ठीक है, जल्दी करो। कर रहा हूँ अभी, एक घंटे बाद हो जाएगा। अच्छा आधा घंटा लगेगा। अच्छा अच्छा ये आपका सप्लाई क्या क्या वो लिखे? ये 24 वोल्ट और 12 वोल्ट नहीं निकलेगा तो किसको देखेंगे बताइए? 12 वोल्ट और 24 वोल्ट नहीं निकल रहा है और 5 वोल्ट आ रहा है तो कौन सा पल्स देखना चाहिए? सर 12 वोल्ट 24 वोल्ट नहीं बन रहा तो कौन सा पल्स देखना चाहिए यहाँ पे? एसपी ऑन ये कहाँ से आता है? एसपी ऑन आता है सफेदपुर से, मदरबोर्ड में। हाँ, मदरबोर्ड में। अच्छा अगर वो नहीं आया तो क्या करना चाहिए? वो नहीं, मान लो नहीं आ रहा है तो किस तरह से चेक करना चाहिए? रिमोट से चेक करना चाहिए या फिर कोई सप्लाई अलग से देना चाहिए, क्या करना चाहिए? सप्लाई अलग से देने से हो जाएगा, फिर भी रिमोट से होगा। अगर रिमोट से हो जाएगा लेकिन अगर उससे नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लगा के चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लगा के चेक करना है। तो देख लिया तुमने? ठीक। हाँ जी बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? दूसरा मॉस्फेट लगा के देख रहे हैं सर, इस मॉस्फेट तो चल रहा है। अच्छा पहले जो मॉस्फेट लगाए थे उसमें गेट में दिक्कत आ रहा था? हाँ, गेट में इसका मतलब पुराना मॉस्फेट खराब था, है ना? हाँ, पुराना मॉस्फेट खराब है। और ये मैकेनिक तो सीख गए ना? हाँ जी भाऊजी सीख गए आप? सीख रहा हूँ सर, अभी तो क्लियर नहीं हुआ, जब क्लियर कर देंगे तब बोलेंगे। देखिए ये ऐसा है, ये 3-4 लड़के एक साथ आए और इस बेचारा सीधा साधा है इसलिए इनको कोई बैठने के लिए देता ही नहीं है। मैं सब देख रहा हूँ ना। अच्छा अगर बैठने से जितना नॉलेज खुलता है और देखने में इतना खुलता है, नॉलेज हो जाता है पहले मुझे पता है। लेकिन अगर कभी प्रैक्टिकल में दिक्कत आ रही है तो इनका थोड़ा सा और करने दो, उसके बाद तुम्हें ही बैठाएंगे और कोई बैठेगा सर? वो तो कर लेने दो, फिर मैं बैठेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक के बाद यहाँ से नेगेटिव आएगा किधर? ये तो नेगेटिव अलग है सर, ये नेगेटिव अलग है। चलने के बाद भी नहीं आएगा? चलने के बाद या चले या ना चले, इधर का नेगेटिव अलग देखना है, उधर का नेगेटिव अलग देखना है। अगर तुम अगर उधर का नेगेटिव इधर से देखोगे तो ये मीटर भी खराब हो सकता है या सर्किट भी खराब हो सकता है, क्योंकि एक मीटर के तार तुम मान लो 300 पे नेगेटिव लगाए और इधर तुम PS1 वोल्टेज देख रहे हो तो वो अंदर मीटर भी ऐसे ही है, ये मीटर भी बैक मारेगा वोल्टेज तो ये क्या है, PS1 मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ये हमेशा नहीं होगा लेकिन हो सकता है खराब। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आज मैं टीवी के खोल कर इसमें पूरी तरह से अंदर तक दिखाना था कि ये LED कैसा होता है और LCD कैसा होता है। LCD में ट्यूब जो है वो ट्यूब किस तरह से लगा रहता है उसको निकालना है। और पूरा मैं बोर्ड खोल चुका हूँ, अभी मैं दिखा दूँ, एक सेकंड के लिए दिखाइए। ये देखिए और निकालने के बाद इसमें प्रैक्टिकल चल रहा है तो ये सारा चीज़ जो निकाल के दिखाना है कैसे निकाला जाएगा, कैसे लगाया जाएगा। और इसके रिपेयरिंग हम अभी बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या है कि LCD जो ट्यूब है उसको निकालना है, ये ट्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो देखिए मैं इसे दिखा दूं। देखो यहाँ पे लॉक सिस्टम है, इधर लॉक है, जैसे ये लॉक को थोड़ा सा खोलेंगे उसके बाद ये फिर इधर से ये निकल गया। इधर देखो, ये देखिए ये निकल गया। ठीक है। और लगाना भी इसी तरह से है, लेकिन लगाना इसी तरह से देखिए तो, और ये वाला जो ट्यूब है ना, ये आप इसे चेंज कर सकते हैं आराम आराम से। इस तरह से ये निकालेंगे। अब इधर अभी जो है ये अभी लगा रखा है, इसको खोलना है। ये देखिए ये बोर्ड निकल गया है ना,
इन्वर्टर बोर्ड, इन्वर्टर बोर्ड। और अब इसको दोबारा इधर तक खोलूंगा। ये निकल गया, खुल गया। और ये है ट्यूब, ठीक है। इसे आराम से तसल्ली से आप इसे ये देखिए, ये इस तरह से खोलें तो ये निकल गया। ये ट्यूब अगर कभी खराब हो जाए तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्यूब खराब हो गया है ना, समझ में आ रहा है ना, ये ट्यूब कैसी खराब हो गया, तो तुम्हें ऐसे ही लगाना है, फिर ऐसे निकाल के और इस तरह से यहाँ दबा दो नीचे से देख रहा हूँ, वो तो ठीक है। ये देखो पतला सा लेना पड़ेगा, पतला सा कुछ लेना। ये देखिए सिर का इस तरह से, ठीक है। और ये ट्यूब अब ज्यादा कुछ नहीं, देखिए पीछे का जो वो है उसको कनेक्शन, अगर ये कभी काला हो जाता है, जैसे ये जॉइंटर है, ये जॉइंटर जो है ये इसका जो वोल्टेज देता है, तो ये कई बार कार्बन लग जाता है या जल जाता है, तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट टाका भी लगा सकते हैं, है ना। और अभी जो है ये पीसीबी है और ये सही है, मगर अभी उसमें जो पैनल में दिक्कत है वो देखेंगे, है ना। अब इसे दोबारा फिट करो, चलो इसको दोबारा फिट करके पैक कर दो। इसको लगाओ इधर पे, वो उधर का लगाओ। लियो भाई जी आपके लिए, हमारा बंगाली में बोलता है आपके लिए, हिंदी में बोलता है तुम्हारे जन्म, मतलब क्या बोलते हैं बंगला में तुम्हारे जन्म और हिंदी में आपके जन्म। नहीं यार, हिंदी में तुम्हारे जन्म और बंगाली में आपके लिए। ये देखो, ये इसको उठाने का तरीका समझो, कभी भी ऐसे करके नहीं उठाना है, ठीक है। जब भी उठाना है तो ये देखो, इधर देखो, ऐसे ऐसे ही ये उल्टा होगी, ये नीचे रहेगा, ये कभी भी जो है दोनों तरफ से, अब जैसे ये है ऐसे नहीं करना है, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा क्यों, क्योंकि ये तो छोटा है तो नहीं कुछ फर्क पड़ा, लेकिन अगर ये 50 इंच होता तो ये टूट जाता। तो उसके लिए उठाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये है ना, इसको पहले ये सुनाओ, ये मान लो ऐसे रखा हुआ है ना, मैं रखो कोई बात नहीं, रखो ऐसे रखा हुआ है, तो इसको उठाएंगे कहाँ से, या तो इधर से उठाएंगे या इधर से उठाएंगे। तो मान लो अभी मैं इधर से उठा रहा हूँ, ये तो लगा हुआ है, इधर से उठा रहा हूँ, ये इधर से पकड़ा है ना, हल्का सा पहले पकड़ लिया, और उधर को उधर कुछ नहीं करेंगे, एक मिनट छोड़ो, ऐसे करके सीधा खड़ा करेंगे ऐसे, एकदम सावधानी से। ये तो चलो खराब हो जाएगा तो कोई मैं झेल लूंगा, लेकिन अगर किसी कंपनी का होगा या किसी बंदे का होगा तो वो सुनेगा नहीं, है ना, और पड़ोसी और पिन मार देगा, हाँ हाँ माल खराब तुम्हें झगड़ा वाली बात, इस तरह से उठाना और ऐसे उठा के आराम से दीवार में साथ में खड़ा कर देना, या कहीं पे खड़ा करने के लिए जुगाड़ रखना है, वहां खड़ा कर देना ताकि वहां पे छेड़ छाड़ नहीं, और ठीक इसी तरह से उठा के लाना है और एक साथ पहले रख लेना है ना कहीं भी, उसके बाद आराम से ऐसे सुलाएंगे, ठीक है, ऐसे कर ऐसे, तो उससे क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने जैसे एक साइड उठाया और एक साइड नीचे लपा हुआ है तो ये क्रैक हो जाएगा, दिखेगा नहीं, अंदर से क्रैक हो जाएगा, जब टीवी चलेगी तो सीधा मारेगा,
ठीक है, मैंने इसे मेरे से खुद खराब हुए कहीं प्लीज रखना पड़ेगा, तो मेरे से खुद खराब हुआ कहीं प्लीज, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, तुम्हें भी ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। बातों बातों में करते करते कई बार खराब हो जाता है, तो उस समय सावधानी से ये मिलता है ना, मिलता नहीं है, मिलता है तो सस्ता नहीं मिलता ना, जितने का टीवी है उसके उतनी बढ़िया क्या हुआ, अच्छा वाला है दो तीन पीस लगाओ। सबके लिए हम लोग बचा हुआ हूँ, क्या यार एक ही चीज सिर्फ समझना है, समझना क्या जी, यहाँ पे तो पांच वोल्ट बनेगा तब ना यहाँ पे इन होगा सर, पहले तो पांच वोल्ट यहाँ बनना चाहिए ना, हाँ ये तो जब इसको टेट काट देते हैं तब बन जाता है, जब इसको हम लगाते हैं उस टाइम तो घट जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्ट होगा तब ना ये बन, शॉर्ट होगा हो सकता है, तो तुम क्या करो इसके जो 5 वोल्ट का जो आउटवर्ड वाला पिन है उस पे एक मीटर की तार लगाओ, और आगे जो रास्ता जा रहा है इसका सप्लाई का पिन उस पे से दूसरी मीटर की तार लगाओ, अगर उन दोनों में शॉर्टिंग आ रहा है तो समझ जाना कि बोर्ड में शॉर्टिंग है, और बोर्ड में शॉर्टिंग अगर आईसी शॉर्ट है तो आईसी निकाल के देखना होगा, और अगर कोई पीएफ शॉर्ट है तो यहाँ पीएफ को जो होता है कई बार शॉर्ट, तो ये पीएफ तुम्हें चेक करना है, तो अब तुम इसको मीटर से चेक करो कि इसमें शॉर्टिंग है कि नहीं, सर मैं एक कथा, हाँ करो, मैं जो बोल रहा हूँ इधर इन होगा इन होगा आउट, जब नहीं करेगा तो तब पता चलेगा आईसी खराब, नहीं नहीं आउट तो जितना शॉर्ट है, मान लो आईसी शॉर्ट है अब वोल्टेज इन कर रहा है लेकिन 3 वोल्ट इन कर रहा है, तो आउटपुट जो 3.5 निकलता है तो वो भी हो सकता है कि 3 वोल्ट निकले, ऐसी खराब है, हाँ वो जब कम ले रहा तो कम आउट करेगा, लेकिन क्या है कि उसे तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी खराब है, चेक करूंगा 5 वोल्ट का लाइन चेक करूंगा, वही देखना है सब कैसे करना है हमको, जब घर जाएंगे तब तो कोई ऐसे आगे है तो हम लोग को भी चेक करना है ना? हाँ तो वो तो कह तो रहा हूँ कराऊंगा बिल्कुल इसको चेक करना।